तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। हो जैसी। हो, ये कैसी आवाज है? केन, क्या तुम हो वहाँ? केन, क्या हो रहा है? ये क्या? बार्बी नहीं, बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। विश्वास नहीं होता उसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा दिल टूट गया, मैं फिर कभी प्यार नहीं करूँगी। ये क्या है? ये डॉल है। काफी दुखी लग रही है। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, मेरे साथ चलो। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं एक इमरजेंसी है, मुझे बाहर ये डॉल मिली। क्या तुम वही सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? हम इसके लिए नया घर बनाएंगे, ये मजेदार होगा। पहले हमें मेकअप हटाना होगा। पहला वो मस्कारा ठीक नहीं लगता। ऐसी ही रहो, अभी से काफी बेहतर लग रही हो। क्या तुमने कुछ कहा? हाँ, समझ नहीं आया। सच में कॉटन स्वॉप? तुम्हें यही चाहिए? हाँ, मुझे यही चाहिए। किस चीज का इंतजार है? पता है क्या, ये काम करेगा। मैं स्वॉप लूंगी और बीच में से काट दूंगी। अब इसे येलो सर्कल पर चिपका दूंगी। इसे इस तरह अरेंज करेंगे, इसे उल्टा करके फैब्रिक लगाएंगे। ये एक प्यारा फ्लावर है, अभी खत्म नहीं हुआ। कॉटन स्वॉप में रंगीन पानी डालेंगे, इससे स्वॉप पिंक हो जाएंगे। बात देखो जरा, मैजिक लग रहा है। इसने तो कमरे की रौनक बढ़ा दी, काफी अच्छा काम किया। हे, वहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें दिख रहा है? रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये लेती हूँ। ये बढ़िया है। तुम क्या कर रही हो? ओ, समझ गई, तुम्हें इसकी जरूरत है। जरा देखने दो, तुम्हारी सोच अच्छी लगी। चलो करते हैं। मेरे पास ज़िपर और स्ट्रिंग्स है, लेकिन मुझे बीड्स भी चाहिए। मैं इसे स्ट्रिंग में डालूंगी, फिर ज़िपर डालूंगी, फिर एक और बीड, और ऐसे ही डालती रहूंगी जब तक ये ऐसा ना दिखे। एक बढ़िया वॉल एक्सेसरी बन गई, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे पसंद आया। बड़ा मुश्किल काम था। मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। इसके बारे में बताओ, ये एक इमोशनल दिन था। एक सेकेंड, इधर आओ बार्बी। हे, क्या तुम्हें सोना है? हाँ, मुझे सोना है। ठीक है, वहीं रुक जाओ, मैं ये लेती हूँ। ओह, ये कार्डबोर्ड काम आएगा। शायद मेरे पास सब कुछ है। काम पर लगने का समय है। पहले मुझे कार्डबोर्ड को कट और फोल्ड करना होगा। मुझे एक बॉक्स बनाना होगा। ये आरामदायक नहीं लग रहा, लेकिन ये फोम काम आएगी। मैं बॉक्स को इससे रैप करूंगी। ध्यान रहे कि साइज ठीक हो। अब ठीक है, मैंने फैब्रिक का एक स्ट्रिप काटा है। इसके ऊपर फोम रखते हैं, इसे बीच में रखेंगे। अब ग्लू गन लेते हैं, ग्लू को एज पर लगाते हैं। एक पतली लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। एक बार हो जाए तो फैब्रिक को फोल्ड कर देना। अब ग्लू से चिपका दो, ध्यान रहे अच्छे से करना। अब नीडल और थ्रेड चाहिए। फोम और फैब्रिक को नीडल से सिल देंगे। मैं फोम को सिल रही हूँ, फिर मैं फोम के आसपास स्ट्रिंग को रैप कर दूंगी। बीट को इस तरह लगाएं। मैं पर्ल कलर बीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब फोम में से दोबारा नीडल निकालेंगे। ऐसे ही करते रहना है जब तक कुछ ऐसा ना दिखे। ये वाला हिस्सा हो गया। अब मैं कार्डबोर्ड बॉक्स को रैप करूंगी, फिर इसे एक साथ जोड़ने के लिए मुझे ग्लू की जरूरत होगी। ये कितना कोजी है, लेकिन अभी और भी कुछ बचा है। मैं हेडबोर्ड बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ बेड से मैच करे। फिर इसे इसकी जगह पर लगा देंगे। अभी हमें मैट्रेस भी बनाना है। मेरे पास फोम शीट है, कार्डबोर्ड के छोटे पीसेस काटेंगे, इसके आसपास फोम रैप करेंगे। इसे सिक्योर करने के लिए टेप का इस्तेमाल करेंगे। एंड्स में भी ऐसे ही करेंगे। मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब इसे बेड पर लगाते हैं, अब इसे सजाना है। हाँ, ये शीट कितनी प्यारी है। मुझे पिलोज भी चाहिए, एक और सही रहेगा, बार्बी को पसंद आएगा। उसे दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा। हे, ये देखो, तुम्हें इसमें अच्छी नींद आएगी। ओ, ये क्यूट रग भी है। देखो जरा बार्बी, अच्छे से सोने का समय है। आरामदायक महसूस करो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम काफी आरामदायक महसूस करोगी। ओहो, शानदार है, तरोताजा। सुनिए जरा, मेरा बेड कहाँ है? रुको, मिल गया। मुझे ये स्ट्रॉस चाहिए, मैं इसे ऐसे लगाऊंगी। बढ़िया, फिर इन्हें एक साथ जोड़ना होगा। इसके लिए ग्लू गन का इस्तेमाल करूंगी। स्ट्रॉस के ऊपर ग्लू की पतली लाइनें बनाएं, इसे दो सेक्शन में बांटेंगे। फिर स्ट्रॉस का ऊपरी हिस्सा फोल्ड कर देंगे। अब मुझे फ्रेम बनाना है। मैं स्ट्रॉस से एक एंगल बनाऊंगी, ऊपर एक और स्ट्रॉ लगाएंगे। मुझे शीट चाहिए, ये कलर बढ़िया है, और एक प्यारा पिलो। शायद बन गया, मुझे इस पर सोना है। हे, देखो मैंने क्या बनाया। देखो, इसे ट्राई करो, ये वही है जो तुम्हें चाहिए था। मैंने इसमें काफी मेहनत की है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। समय हो गया है, मुझे लगा पसंद आएगा। जब तुम थकी होती तो बहुत बुरी हो जाती हो। शुक्रिया, सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट। मुझे स्नैक चाहिए, मैंने बहुत काम किया है, मुझे कुछ खाना है।
मुझे चिप्स पसंद है, लेकिन डिप तो होना जरूरी है, मेरा पसंदीदा। स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी है, मैं इसे पूरा समय खा सकती हूँ। ये कैसी आवाज है? कितना क्रंची है। ओह, तुम जाग गई। ओह, तुम्हारी लिपस्टिक पूरी फैल गई। क्या तुम्हारा क्या मतलब? मुझे इसे ठीक करना होगा। ये सही नहीं है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। क्या सब हो गया? मुझे लिपस्टिक मिल गई, मुझे कलर पसंद है, ये तुम पर जच रहा है। ओह बढ़िया। मेरे पास मिरर नहीं है। ये एक दिक्कत है, मुझ पर छोड़ दो, मैं जानती हूँ क्या करना है। मैं फोम बोर्ड को सेक्शंस में काटूंगी। मैं इन पीसेस से शुरू करती हूँ। पहले बड़ा सेक्शन लेते हैं, एज पर ग्लू लगाते हैं। ग्लू गन से आसान हो जाएगा, इसे ऊपर से नीचे तक लगाना है। अब पतली स्ट्रिप लगाते हैं, ये बड़ा सेक्शन साइड पर लगाते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड पर करते हैं, ये एक बढ़िया मेकअप टेबल बनेगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा मजेदार नहीं है, मेरे पास कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप है और ये एल्यूमिनियम फॉइल, इसके ऊपर फॉइल लपेटते हैं, ये एक मिरर बन जाएगा। इसे टेबल के टॉप पर लगाते हैं, ये एकदम बढ़िया है। मैं एड्रेस पर भी एल्यूमिनियम टेप लगाती हूँ। ये हो गया, विश्वास नहीं होता मैंने बनाया है। कभी कभार तो मैं अपने आप को चौंका देती हूँ। ये देखो, रुको, मैं लगभग भूल गई थी, मुझे एक चेयर बनानी होगी। मेरे पास सोडा कैप है, ये सही रहेगा। मेरे पास ब्लैक मॉडलिंग ग्ले है, इसे सोडा कैप के ऊपर लगा देते हैं। ये सीट का ऊपरी हिस्सा बनेगा, काफी सॉफ्ट लग रहा है। अब अगली चीज, मुझे स्ट्रॉस चाहिए। अभी ये बहुत बड़ी है, मैं छोटे सेक्शंस में काटूंगी। ये सही साइज है, ये चेयर की लेग्स होंगी। मॉडलिंग ग्ले के पीस को रोल करते हैं और स्ट्रॉ का एंड इस पर लगाते हैं। मैं इसे सोडा कैप के अंदर लगाती हूँ। मुझे इसका स्टूल बनाना था। मेरे पास कुछ मॉडलिंग के लिए बची है, मैं इसे चेयर की बैग बनाऊंगी। हो गया, ये देखो, जो तुम्हें चाहिए था ये रहा, सब तैयार है। ये बढ़िया है, चलो लिपस्टिक लगाओ। शुक्रिया मैक, वाओ ये शानदार लग रहा है। सुबह हो भी गई, मुझे बहुत अच्छा सपना आया था, मुझे उठ जाना चाहिए, पूरा दिन बिस्तर पर नहीं रह सकती। हे लूना, हाँ कुछ हुआ है? मुझे कॉफी चाहिए, अभी लाई, इससे तुम जाग जाओगी, ये एकदम ताजी है। मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी। शुक्रिया बेस्टी, मुझे सुबह की कॉफी चाहिए। उफ, माफ करना। चिंता मत करो, मैं साफ कर देती हूँ। ऐसे दोबारा तो नहीं होना चाहिए, मुझे पता है क्या करना है, मैं ये लूंगी। योइंग। उसे पता नहीं चला, मेरे पास एक मजेदार प्लान है, मुझे इसे पेंट करना होगा। ये बहुत ब्राइट और रंगीन है, मुझे ब्रश चाहिए। पेंट से लिड को कवर करूंगी, मैं लेयर्स बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ एकदम बढ़िया हो, कोई जगह छूटी नहीं चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, इसे सूखने देते हैं। जब तक ये हो रहा है मैं दूसरा काम करती हूँ। मेरे पास ये प्लास्टिक जार है, मैं इसे पिंक पेंट करती हूँ। मुझे एक और चाहिए, ये बहुत आसान था। इसे एक साथ चिपका देते हैं और इसके ऊपर लिड रख देते हैं। ये एक प्यारा टेबल बन गया, अब कॉफी नहीं गिरेगी। जरूरत के लिए इसके ऊपर कवर रख देते हैं। अब तुम टी पार्टीज कर सकती हो। ओह ये कितना फैंसी है, तुम बेस्ट हो। लेकिन मैं कहाँ बैठूं? ये एक दिक्कत है, हालांकि ये एक अच्छा वर्कआउट होगा। ओह नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जरा रुको, मेरे पास सिर्फ बैटरी और कार्डबोर्ड है, शायद इससे काम बन जाएगा। मैं बैटरी के आसपास कार्डबोर्ड लपेटती हूँ। फ्यू, हो गया, अब इसे एक साथ जोड़ते हैं। खुशकिस्मती से मेरे पास अभी भी ग्लू गन है, जब एक बार ये सूख जाएगा तो बैटरी बाहर निकाल देंगे। ये बन गई कार्डबोर्ड रिंग, अब इसके कोनों पर ग्लू लगाते हैं। ज्यादा नहीं, मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़ हो। अब हमें स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए, इस पर रिंग लगाते हैं, इसे सिक्योर करने के लिए प्रेस करते हैं। अब मुझे सिजर चाहिए, मैं रिंग कट करती हूँ, अब तक सब सही हो रहा है। अब मैं पिंक फेल का एक छोटा टुकड़ा लेती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है। इस पर कार्डबोर्ड रखते हैं, फिर उसके ऊपर फेल्ट लगाते हैं। मैं साइड को पिंक करती हूँ और इसको अंदर लगाती हूँ। इसे ऐसे पकड़ते हैं, फिर इस पर ग्लू लगाते हैं। इसके सेट होने तक इंतजार करते हैं, इससे ये निकलेगा नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे लेग्स बनानी होगी। मैंने वुडन स्क्यूअर को पिंक पेंट कर दिया, इसे तीन पीसेस पे कट करते हैं। मुझे ये सब एक ही साइज के बनाने होंगे। हिलती हुई चेयर कौन चाहेगा? मुझे मेरा ग्लू गन चाहिए। मैं एंड पर एक छोटा सा ब्लॉब लगाती हूँ, फिर इसे फेल्ट पर लगाते हैं। इसे एक एंगल पर लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये आखिरी है, चेयर तैयार है, टेबल से मैच कर रही है। देखो ये यहाँ रहेगी, मैंने और बनाई है, ये काफी अच्छी है। काफी अच्छी खुशबू है। ये पी हमने कर दिखाया। मुझे करना होगा, तुम बहुत बुरी हो। ये सही नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा सोडा पी लिया। मुझे भी वॉशरूम जाना है। ओह नहीं, वहीं रहना और थोड़ा होल्ड करना। चलो भी, चलो भी। फ्यू, समय से हो गया। ओह ये क्या है? कोकोनट? हाँ
जल्दी करो लूना, जल्दी आओ। हे बार्बी, रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये काम करेगा, चिंता मत करो, मैं अभी आई। मुझे शैम्पू बॉटल की लिट चाहिए। चलो करते हैं, मैं इसे उल्टा करूँगी। मुझे डेंटल फ्लॉस कंटेनर भी चाहिए, मैं इसे शैम्पू लिट के पीछे लगाऊंगी। अब मुझे टॉयलेट सीट चाहिए, ये हर कलर काम करेगा। इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, बिल्कुल समय पर। जाओ बार्बी, टॉयलेट सीट इंतजार कर रही है। चलो चलो चलो, आराम मिला, मुझे इसकी जरूरत थी। अभी सब गंदा हो जाता, बस भी करो। थोड़ी प्राइवेसी दो प्लीज। मुझे मेरी डॉल के लिए भी टॉयलेट बनाना चाहिए। ना, मुझे नहीं लगता, मेरे पास बेहतर आइडिया है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी। देखा, इतना आसान था। तुम काफी अच्छी लग रही हो, हटो यहाँ से। हे, क्या तुम जाओगी? मैं अभी बिजी हूँ। तुमने क्या खाया है? शायद बार्बी का हो गया। उम्मीद है तुम्हें फ्लश करना याद होगा। क्या तुम खुश हो? हमने बढ़िया काम किया, सच में किया। ऐसे करो, हाँ ये दोस्त है। मुझे बहुत खुशी है तुम मुझे मिली बार्बी, ये तुम्हारा नया घर है, इसमें वो सब है जो तुम्हें चाहिए। और कलर स्कीम, वाह, तुम्हारा पसंदीदा। नहीं, ये होता है घर, यहाँ कुछ पिंक नहीं है, मजेदार है। ये सब कड़ी मेहनत का नतीजा है। इन दोनों के स्टाइल जरूर बहुत अलग है, लेकिन ये दोनों शानदार है। मुझे अपने लॉकर में से कुछ लेना है, मैंने तुम्हें मिस किया। तुम बहुत स्टाइलिश लग रही हो तो तुम मेरी डॉल ही। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जरा अपने गोल्डन बाल तो देखो। वी! नहीं, मेरी डॉल, ये तुमने क्या किया? हे, कैसे हो? ये मुझे दो। ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मैं अपनी डॉल ले लेती हूँ। चैंपियनशिप जीत गए। ये कहाँ से आ गए? क्या ये? तुम ठीक तो हो? कैसा चल रहा है? कोई बात नहीं, मैं ही ठीक कर दूंगी। वाह, यहाँ से बदबू आ रही है। आहा, मिल गया। रुको, ये केले का छिलका है, कम से कम मुझे तुम मिल तो गई। एओ, तुम बहुत बुरी लग रही हो। ओ, तो ये तुम हो, देखो तुमने मेरी डॉल का क्या किया। अब तुम्हें साफ करना होगा, ये काम नहीं करेगा, लगता है तुम्हें नहाना होगा। चलो पैम्परिंग सेशन शुरू करें, तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो पहले गंदे कपड़े उतार दें, तुम ये नहीं पहन सकती। अब इसमें जाओ, बबल्स के मजे लो, मुझे यही मिंट तो चाहिए। ओह, ये तो जकूजी जैसा है। टेम्परेचर कैसा है? इतना काफी होगा, तुम आ जाओ, क्यों ना तुम्हारा स्क्रब किया जाए। ये टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी चाकू टूथपेस्ट, बहुत सारे निशान है, थोड़ी गुदगुदी होगी, मुझे जलन हो रही है। इससे तुम्हारी सारी गंदगी निकल जाएगी, ये हुई ना बात। अब हम तुम्हें सुखा देंगे, तुम्हें ठंड ना लग जाए। अब तुम बिल्कुल साफ हो गई हो, बाकियों की तरह नहीं। मुझे सब सुनाई दे रहा है, हमें तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए सोडा नहीं चाहिए, हमारे पास ये फोमिंग क्लेंजर है, बस उसे थोड़ा तुम्हारे ऊपर डालेंगे। अब मैं अपने क्लेंजिंग ब्रश का इस्तेमाल करूंगी, इसके बाद तुम्हारी त्वचा चमकने लगेगी। पहले मैं जल्दी से ट्राई कर लूँ कितना सॉफ्ट है, कैसा लग रहा है। मैं जानती हूँ बढ़िया ही होगा, सारा काम ब्रश का है और ये बहुत जल्दी कर देता है। अब तुम्हें सुखा देते हैं। हाँ, हो गया, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं कोई मदद कर दूं? ओह हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो फेस मास्क के बारे, आराम से लेट जाओ, बोल में टूथपेस्ट डालेंगे, अब ग्लिटर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब एक ब्रश से इसे लगाना शुरू करें, इतना काफी है। और अब मेरी बारी, ब्यूटिशियन होना बहुत मेहनत का काम है। अब हम आराम कर सकते हैं, ये बढ़िया है, पर हमारे पास और भी बहुत चीजें हैं, हमें बालों का कुछ करना होगा। क्यों ना नया कलर कर दें? पहले तुम्हें कवर करना होगा, तुम्हारे ऊपर टेप लगा देते हैं, तुमने सीवीड रैप सुना है? ये उतना ही अच्छा है, बस थोड़ा ज्यादा स्टिकी होगा। उससे मुझे अपने लास्ट हैलोवीन कॉस्ट्यूम की याद आ गई, इसे मैं तुम्हारे चेहरे पर भी लगाऊंगी, हम थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। हे, यहाँ देखो, क्या सच में मॉली, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए।
ओह, मुझे लगा ये काम करेगा, बाद में देख लेंगे। चलो तुम्हारे बाल कलर करें, हिलना मत। ब्लॉन्ड लुक तुम पर सूट नहीं करती, तुम पर ये जचेगा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। भरोसा रखो, जितने डार्क बाल होंगे उतना बेहतर। अब हम टेप हटा सकते हैं, लोग इसके लिए बहुत पैसे देते हैं। आह, क्या बात है, मेरी स्किन बहुत स्मूथ हो गई। हे, ये क्या, इसे बंद कर दो। रुको रुको, तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे इससे हटाओ। जरा रुको, शायद मैं कलर्ड पेपर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे गर्म पानी के दो बोल्स चाहिए। पहले पिंक पेपर से शुरू करेंगे, इसे बोल में डालेंगे और पेपर से पानी का रंग बदल जाएगा। देखो ये कितना वाइब्रेंट पिंक है। हम अब मास्क उतार देते हैं। अब तुम्हारे बालों को इस पानी में डालेंगे। अपनी सांस रोक पा रही हो ना? ये बढ़िया हेयर डाई बन गया। अब ब्लू की बारी, इसमें तुम्हारे बालों के एंड्स ही जाएंगे। कमाल का लग रहा है, कितना अलग है। तुम्हें कैसा लगा? कोई बात नहीं, ठीक ही है। तुम किसकी साइड पर हो? ये प्यारा सा आउटफिट देखो, तुम्हारे बालों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सबसे सुंदर डॉल होगी। ओह, जरा वो देखो। आओ आओ बैठो, शर्माओ मत। हे भगवान, ऐसा लग रहा है मैं कार्टून प्रिंसेस हूँ। दोबारा कभी भी आ जाना। इससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। मुझे अपना मैथ होमवर्क चाहिए। खैर, मुझे प्लास्टिक फोल्डर चाहिए। टेस्ट बाहर निकाल लेते हैं, मुझे वैसे भी ए ही मिलने वाला है। चलो क्रिएटिव हो जाए। मुझे बटरफ्लाई ने इंस्पायर किया, तो मैं उसकी खूबसूरती को कैप्चर करना चाहूंगी। पहले प्लास्टिक पर इस तरह विंग्स बना देंगे। अब मैं डिटेल्स बनाऊंगी। विंग्स को हम सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसे काट लेते हैं। अब हमें नेल पॉलिश की एक बॉटल चाहिए और मैं ये सिल्वर ग्लिटरी पॉलिश इस्तेमाल करूंगी। इससे विंग्स को पेंट कर देंगे। हर सेक्शन को पेंट करना जरूरी नहीं है। जब ये हो जाए, हम मिरर सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे। इन्हें नेल पॉलिश के ऊपर लगा देंगे। मैं इस बार पिंक और सिल्वर इस्तेमाल करूंगी। जो फालतू है उसे फूंक मार कर हटा दे। कितना बढ़िया इफेक्ट आया है। अब विंग्स को मैं अपनी डॉल की ड्रेस पर लगाऊंगी। वाह, ये एक मैजिकल फेरी जैसी लग रही है। काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। ये खूबसूरत है। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगी। मैं बनाना भी नहीं चाहती। ये कुछ ज्यादा ही पिंक है। तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती। लगता है मुझे अपने टैलेंट के लिस्ट में फैशन डिजाइनर भी ऐड करना पड़ेगा। इस काले कपड़े में से एक सर्कल काट लेंगे। अब कोनों पर शूलेस लगा देते हैं। ये आसान था। देखते हैं कैसे फिट आता है। बहुत अच्छे से फिट आ गया, पर इस पर एक बेल्ट लगानी होगी। मैं कर दूं मालूम तो कैसा है? कितना जबरदस्त लग रहा है। हर लड़की और डॉल को ब्लैक ड्रेस तो चाहिए ही होती है। लगता है तुम्हारे बालों को स्टाइल करना होगा। आओ बैठो, ये ब्रेड्स तुम पर जचेंगी। ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हेयर बैंड से इसके बाल टिका देंगे। ये हुई ना बात, बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। एयू, ये स्नीकर्स बहुत पुराने हो गए हैं। पर अब हम इनका क्या करें? मैं सोचती हूँ, मैं कुछ इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखते हैं। आहा, ये काम करेगा। जरा रुको, ये तुम क्या कर रही हो? इसके बारे में सोचना भी मत। समझ गए, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। जरा मुझे वो दो। हे, मुझे वो नेल पॉलिश चाहिए, वहीं पर है। हाँ हाँ, वो वाली। चलो जल्दी करो। शुक्रिया। तुम्हें अपनी फ्लोटिंग टेक्निक पर काम करना चाहिए। वो देखना बहुत शर्मनाक था। खैर, तुम्हें कहा थी, चलो इन स्नीकर्स को एकदम बदल दें। ये नेल पॉलिश लगाने से इसमें शाइन आ जाएगी। कोई जगह छूट ना जाए। जब ये सूख जाए तो आप इन्हें पहना सकते हैं। वाह, तुम्हें कैटवॉक पर होना चाहिए। बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं भी, बिल्कुल मेरी जैसी। पता है, ब्लैक के अलावा भी बहुत कलर्स होते हैं। हमें तुम्हारे लिए शूज लाने होंगे। हमें क्या करना चाहिए? रुको, मैं समझ गई। मैं ये मार्शमेलोज इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मैं जानती हूँ कैसे करना है। पहले हेयर ड्रायर से इसे पिघला लेंगे। हाँ, ये बहुत गर्म है, पर इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। खुशबू कितनी अच्छी है। अब इसमें फूड कलरिंग डालेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए। अब इसे मिक्स कर देंगे। मैं जरूर खाऊंगी। ओह, देखो कितना ग्लूई है। अब इसे टेबल पर रखेंगे।
और एक पतली सी डिस्क पे रोल कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। आप टेम्पलेट की मदद से इसमें से 3 शेप काटेंगे, हम इसे मोड़ सकते हैं, इसे बूट की शेप देंगे और थोड़ी डिटेल्स। लगता है ये तैयार है। कितने सॉफ्ट और कोजी है। वाह, मुझे तो पसंद आया। तुम एकदम शानदार लग रही हो। मुझे इस पर गर्व है। चलो भी, हमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, पर किसी को बताना मत। क्या हम अच्छे दोस्त बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हमारी डॉल्स की दोस्ती हो गई। हमें प्लेडेट अरेंज करनी चाहिए इन्हीं के लिए। मैं क्लास में चलती हूँ। वो देखो, इसे कहते हैं डॉल्स हाउस। मैं इससे बेहतर डॉल हाउस बना सकती हूँ। मैं कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। हे, मेरे रास्ते से हटो, मैं कॉन्टेस्ट में आना चाहती हूँ। छोड़ दो। अरे नहीं, देखो तुमने क्या किया। मैंने, मुझे तो बस पेन चाहिए था। क्या हुआ? आओ, बहुत जोर से लगी। इसे मुझसे हटाओ। ये कैसी जगह है? ये देखो, मैं इसे अपने डॉल हाउस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? मुझे इसे परफेक्ट बनाना होगा। पहले बॉक्स में दीवारें बनाएंगे, कलर पेपर की अलग अलग शीट्स लगाएंगे, जल्दी और आसानी से। वाह, कितना कलरफुल है। तो तुम्हें कैसा लगा? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आया। मैं बहुत अच्छा डिजाइन करती हूँ। ब्रिटनी को क्या हो गया? उसने शुरू भी कर दिया। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छा है। तुम जल रही होगी। मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। नहीं नहीं, पसंद नहीं आया। ये चल सकता है। अब इंतजार करना होगा। वाह, मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। ओह, कितना प्यारा है। बहुत अच्छा लगा। चलो और देखते हैं, इसमें सब कुछ है। नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। हमें बस गोल्ड चाहिए। मैं जानती थी तुम्हें महंगी चीजें ही पसंद है। मैं इसे बदल दूंगी। इसकी साइज की शीट्स काट कर इन रूम्स में लगा देंगे। अब कैसा है? मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम भी थक गई हो? सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। इस कर्टन को थोड़ा बदलना होगा। मैं इसमें से थोड़े फेसेस निकाल लेती हूँ। ये चलेगा। मैंने बेड कार्डबोर्ड से बनाया है। शीट्स की जगह ये कर्टन फैब्रिक लगा देंगे। कोजी लग रहा है। अब तुम अपनी ब्यूटी स्लीप ले सकती हो। ये खाली है, सामान चाहिए होगा। स्वीट ड्रीम्स। ये आइडिया अच्छा है, हमें यही तो चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, चलो। हेलो कैंडल, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे वो फोम चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो मैं इससे क्या क्या खरीद सकती हूँ? चॉकलेट। तुम ठीक तो हो? वाह, कुछ ज्यादा ही बार्गेन करती हो। और पैसे? वाह, आज का दिन सबसे अच्छा है। वाह, ये क्या हो रहा है? मैं अमीर हो गई। इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। ये लो, ये तुम्हारा है। आखिरकार ये सबसे सॉफ्ट बेड बनेगा। मैंने फोम में से रेक्टेंगल ले लिया है, अब इसे सजाना होगा। गोल्ड में ही, पर इसमें कुछ और भी चाहिए। पिंस को दूसरे फोम में लगा देंगे। ये पर्ल्स जैसी दिखेंगी। बस ये आखिरी है। अब हमें सब कुछ साथ में जोड़ना होगा। ये होगा इसका हेडरेस्ट। अब हमें कोजी ब्लैंकेट चाहिए और पिलोज भी। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये जगह इसके लिए ठीक है। अब ऊपर की तरफ रिबन लगा देंगे। ये कर्टन की तरह काम करेगा। मैं चाहती हूँ तुम बेड पर आराम करो। लगता है हो गया। चलो अब लेट जाओ। गुड नाइट। मुझे ये चाहिए। मैंने बहुत सारी कैंडी खा ली। डेंटिस्ट तो बहुत गुस्सा होंगे। जाओ, मतलब कुकड़ू कुकड़ू। हाँ, क्या सुबह हो भी गई? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, मेरी डॉल कहाँ चली गई? लगता है मैं जानती हूँ। हे, वहाँ क्या कर रही हो? मुझे इग्नोर मत करो, यहाँ पर आओ। तुमने सुना? ये तुमने क्या कर दिया? जरा खुद को देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी है। हमें तुम्हें साफ करना होगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, ऐसे मत करो। ठीक है, मैं समझ गई। इस टब को मेकओवर देना पड़ेगा।
इस पर गोल्ड पेंट करेंगे। स्पॉन्ज से इसका टेक्सचर अच्छा बनेगा। जब ये सूख जाए तो कोने पर गोल्ड टेप लगाएंगे। कितना आलीशान लग रहा है, मतलब नहाओ भी तो शान से। और मेरे पास गोल्ड टॉयलेट भी है, पर इसे थोड़ा बदल सकते हैं। सीट को पेंट करेंगे और ऊपर ग्लिटर डाल देंगे। सिस्टर्न पर गोल्ड टेप लगाएंगे और गोल्डन चेन भी। मैंने ऐसा टॉयलेट पहले कभी नहीं देखा। ये तैयार है, कैसा लग रहा है? तुम्हें सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। मैं इसे घर में लगा देती हूँ। टॉयलेट को यहाँ और टब को तुम्हारे बेड के साथ। ये कितना लग्जरियस बाथरूम है। हमें टब को भरना होगा। ओह, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा को टब में डालेंगे, अब बबल्स डालेंगे और मिंट्स। अब ये जकूजी बन गया। तुम अंदर जाओ, आराम से समय बिताओ। मुझे पूरी रात के आंटी के ही सपने आए। रुको। ओह हाँ, ये सच था। हाँ, स्मेल कैसी है? ओह चलो भी, बस करो। कितना गंदा है। तुम ऐसा क्या खा रही थी? ओह, मुझे उल्टी आ रही है। ये तो परेशानी है। तुम्हें नहाना होगा। मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रॉ है, पर कोई बात नहीं। स्ट्रॉ को इस तरह खींचेंगे और मोड़ देंगे। अब हमें कैंची चाहिए। यहाँ से स्ट्रॉ को काट देंगे। फ्लेक्सिबल पार्ट के नीचे की तरफ भी काटेंगे। अब इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे। अब इन पर रेड और ब्लू बीड्स लगाएंगे। मुझे एक टॉयलेट बनाना है। फोम से बेस बना दिया है। अब इसके ऊपर कार्ड लपेटेंगे और फिर सीट बनाएंगे। हमें सब मिल गया है। शावर को दीवार पर लगाएंगे और ये बन गया बाथरूम, बिल्कुल घर जैसा। हाँ चलो जाओ, तुम्हें अच्छे से नहाने की जरूरत है। मैं तुम्हें प्राइवेसी दे देती हूँ। सही रहा ना? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पर तुम्हारी ड्रेस पर अभी भी चॉकलेट लगी है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें नई आउटफिट दिलाएंगे। मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। इससे बेहतर और क्या होगा? वाह कितना मजा आएगा। देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं श्योर नहीं हूँ, लगता है हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। कोई आइडिया है? जरा रुको, हम ये गोल्ड फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो खुद से ड्रेस बनाएं। टेबल पर फैब्रिक रखेंगे। अब कार्ड से टेम्पलेट बना लेंगे और इसके आसपास काटेंगे। अब इन पीसेस को साथ में जोड़ लेंगे। जितना सोचा था ये उससे भी आसान है। चलो ट्राई करो। वाह तुम्हें तो ये फिट आया है। तुम बिल्कुल मॉडल लग रही हो। तुम्हें कैटवॉक पर होना चाहिए। ताजगी भरा। ओह नहीं, हमें जल्दी करना होगा। अच्छा लग रहा है ना? वाह तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या? वो आउटफिट देखो, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। मुझे बस कुछ चाहिए। यहाँ नहीं है। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये मेरा बेडरूम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह मुझे यही तो चाहिए। तुम्हें मेरा मास्क चाहिए? वो मेरे ब्रीफ केस में है। कूल थैंक्स। हाँ नहीं, मिल गया। ओह जरा रुको, कितने पैसे देने होंगे? अरे ये सारे ही ले लो। बाय। कौन था? चलो ड्रेस बनाए। ओह एक चीज बाकी है, मुझे ये चाहिए होगा। तुम बहुत स्टाइलिश दिखने वाली हो, तो चलो पहले मास्क से स्ट्रैप्स हटा देते हैं। इसे दोनों साइड्स पर करेंगे। अब मास्क को काट देंगे बिल्कुल बीच से। हमें ऐसे दो पीसेस चाहिए होंगे। इन्हें साथ साथ रखेंगे और साथ में चिपका देंगे और फोल्ड कर देंगे। ये इतना सिंपल है। कितनी प्यारी स्कर्ट बन गई। ये लो। वाह ये तुम्हारी टॉप के साथ अच्छी लग रही है। और इसके साथ हेड स्कार्फ, क्या चॉइस है। तुम्हें अपने कमरे के लिए क्लोथ रैक भी चाहिए होगा। तुम परफेक्ट लग रही हो। सोचो मेरे पास क्या है। बैठने की जगह भी तो चाहिए। खूबसूरत है ना? वाओ! नहीं! आह! रुको! मैं नहीं देख सकती। क्या ये कहाँ से आ गया? चेयर, ये खराब हो गई। हाँ हो तो गई। ये मुझे दो। ऐसा क्यों हुआ? मुझे माफ करना। रुको मैं कितनी बुद्धू हूँ। हम इसे गोल्ड से ढक सकते हैं। मैं ये तो भूल ही गई थी। यहाँ से फोल्ड करते हैं और ये तैयार है। अब ये बेहतर लग रहा है। क्या पता ये किसी वजह से ही हुआ हो। वाह इससे रूम बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अपने थ्रोन पर बैठ जाओ। तुम्हें कैसा लगा कैंडल? देखते हैं। वाह काफी फैंसी है। एक सेकेंड रुको, मैं भी अपनी डॉल के लिए चेयर बना सकती हूँ। और मैं जानती हूँ क्या करना है।
इन स्पंजेस को साथ में जोड़ें, अब इन पर ग्लू लगाएं, वो भी पूरे पर। अब इसके ऊपर एक फैब्रिक का पीस फोल्ड करें, इसे ग्लू पर लगा देंगे। जितना हो सके उतनी सफाई से करेंगे। बीच में ब्लैक फेल्ट लगा देंगे। अब इसे उल्टा कर देते हैं। ऐसा ही बैक और साइड्स पे भी करेंगे। अब हमारा काउच तैयार है। लो ट्राई करो, कितना कंफर्टेबल लग रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक्सेसरीज भी है। ये चीजें तुम्हारे बारे में दर्शाएंगी। इसके बाद तुम्हें भूख लग गई होगी। लो केक खाओ, हमें प्लांट्स भी चाहिए। और वॉल आर्ट कैसा रहेगा? मुझे क्लासिक चीजें पसंद है। और तुम्हारे पार्टनर की भी फोटो। बस हो ही गया। वाह, इसे कहते हैं घर। ये कोई महल जैसा लग रहा है। हे, ये क्या? माफ करना, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। कितना गोल्डन है। हाँ, मैं वही चाहती थी। और तुम्हारा डॉल हाउस थोड़ा अलग है, पर अच्छा है। देखो, कुछ हो रहा है। अरे वाह, हम जीत गए। बधाई हो। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। हम इसके हकदार हैं। शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, क्यों नहीं? कहाँ से शुरू करें? वो देखो, मैंने ऐसी डॉल पहले कभी नहीं देखी। कितनी खूबसूरत है। मुझे ये चाहिए। मेरे पास थोड़े छुट्टे पड़े थे, बैग के बिल्कुल आखिर से मिले हैं। बस मेरे पास काफी हो, ये डॉल मेरी होगी। अब पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उप्स, इसे हटा देते हैं। ओ, कस्टमर्स आए हैं। चलो वो डॉल खरीदें। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम ये डॉल खरीदना चाहते हैं। इतना सारा कैश, ठीक है, तो ये डॉल तुम्हारी हुई। हे भगवान, बहुत मजा आएगा। मैं इसे बहुत प्यार दूंगी और ख्याल रखूंगी। लगता है तुम समझी नहीं, ये मेरी है। ये मुझे दो। तुम दूर हो जाओ। हे, यहाँ ये क्या कर रही हो? लगता है मैं जानती हूँ इनका क्या करना है। मुझे अपनी जादू की छड़ी चाहिए। इसमें बहुत मजा आता है। ये सबसे मजेदार हिस्सा है। अगला कौन है? सब तो भारी गलती है। क्या सच में तुम मुझे डॉल दे सकती थी? तुम चुप भी करोगी? हे, ध्यान दो। चलो अपने डिशेस खोलो। हाँ? ओह कूल, ये क्या? क्या ये कोई मजाक है? हमें बात करनी होगी। मेरी बारी। वाह, जरा ये देखो, कॉटन कैंडी और डायमंड्स। हाँ, मैं जानती हूँ, ये बढ़िया है। तुम शुरू कर सकती हो। मैं समझ गई। अपनी सांस रोक कर रखना मिंडी। चलो अपना सर इस बोल में डालो। वो रुको, ये क्या कर रही हो? नहीं, ये ठीक नहीं है। सोचते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, सोचो तो सही। थोड़ी मदद कर दो। आहा, अब मैं समझी। पानी, बक्स की वजह से प्रोटीन मिलेगा। मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
कॉटन कैंडी को बोल में डालेंगे, समझे? मैं जानती थी, मैं तो मजे ले रही थी, बहुत मजा आएगा। तो चलो इसे डालें, क्या होने वाला है? ओह, इसके अंदर कुछ है। ये तो डॉल है, पर ये बहुत गंदी हो रखी है। मुझे ये नहीं चाहिए। इसे देखो। ओह, बैड लक। और ये बहुत फनी है। इतना भी बुरा बर्ताव मत करो। तुम्हारे पास क्या है? हाँ? ओह, हाँ। मैं अभी देख लेती हूँ। तो चलो। ये डिसॉल्व होना शुरू हो गया है। मुझे ये कॉटन कैंडी खा लेनी चाहिए थी। मजा आ जाता। ओह, एक डॉल। तुम्हारे चेहरे से ये बाल हटा देते हैं और बाहर आ जाओ। मुझे मिंडी पर हंसना नहीं चाहिए था। मेरी डॉल पूरी होबो लुक में है। अब मजा आ रहा है। हे, बस करो। तो अब क्या? मुझे मत देखो, मेरे पास और भी काम है। क्या वो यहाँ से गायब हो गई? खैर, हमारे पास कम से कम डॉल है। कितना इंतजार करें, हमें कुछ करना होगा। इसके पिंपल्स देखो, कितने बड़े हैं। मुझे इन्हें पॉप करना होगा। एव, ये नहीं हो सकता, बहुत गंदा है। अब मैं एक सेफ्टी गियर पहन लेती हूँ। क्या पता ये गंग हवा में फैल जाए। और मुझे अपने हाथ तो बिल्कुल गंदे नहीं करने। चलो अब स्क्वीज करें। ये कैसे उड़ रहा है? तभी मैं पहले से ही तैयार थी। मेरे मुंह में भी चला गया। और इसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं है, क्रीमी है। मैंने इससे भी बुरे स्वाद चखे हैं। मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? हे, बस इतना ही काफी नहीं है। मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। इसे ठीक करना होगा। पहले एक बोल में ग्लू डालेंगे, इतनी काफी है। कुछ मिसिंग है। ओह, हिलना मत। तुम ये क्या कर रही हो? रुक भी जाओ, मुझे तुम्हारा थोड़ा आई शेडो चाहिए। कितना स्पार्कली है। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिल जाना चाहिए। ये परफेक्ट है। अब डॉल पर डाब करेंगे। ऐसे ही रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इससे इसके चेहरे की सारी गंदगी निकल जाएगी। उम्मीद तो यही है, तुम बहुत लकी हो। मुझे भी पैम्परिंग सेशन बहुत पसंद है। वाह, तुम्हारी त्वचा चमक रही है। कितना फर्क पड़ा है। बहुत प्यारी लग रही है। मेरी डॉल को भी मेकओवर की जरूरत है। चलो इसकी भी गंदगी हटाएं। मैं इसका चेहरा देखना चाहती हूँ। ये बेहतर है। जरा रुको, इसके दांत देखो, इन्हें साफ करना होगा। ये गलत ब्रश है। तुम क्या सोच रही हो? ब्रशेस तुम्हारे सामने पड़े हैं। हाँ? ओह हाँ, मैंने कैसे नहीं देखे। मुझे ऐसा ही ब्रश चाहिए। तुम्हारी स्माइल बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। अपना मुंह खोलो। मिंटी। अभी ये पूरा नहीं हुआ, हमें कुछ और भी चाहिए। पर क्या? मुझे सोचने दो। मुझे ये इयररिंग चाहिए। इसे मोड़कर शेप देंगे। ये सही है। अब इसे डॉल के दांतों पर लगाएंगे। बहुत ही जल्द तुम्हारी स्माइल सुंदर हो जाएगी। ये देखो ग्रेस, कैसी लगी? ओह, अच्छी लग रही है। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने अपने बालों का क्या कर लिया है? चिड़िया का घोंसला लग रहा है। मुझे कॉल करनी होगी। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, बुरा हुआ, बहुत बुरा। हाय हनी, क्या हो गया? जरा ये देखो, मुझे इसे छूना पसंद नहीं है। चलो अपना जादू दिखाओ।
क्या कहते हो? पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। याइक्स, ये अभी तक का सबसे मुश्किल काम होगा, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले शैम्पू से शुरू करेंगे। डार्लिंग, तुम्हें इसकी जरूरत है? तुम्हें मैं थोड़ी हेड मसाज दे दूं? हनी, तुम्हारी रोज नजर आ रही है, मैं ये भी ठीक कर दूंगी। चलो इसे अच्छे से साफ करें। अब इसे सुखा लेते हैं। मैं तुम्हें बदलने वाली हूँ। हेयर ब्रश हाथ में आती मैं पिकासो बन जाती हूँ। गर्ल, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तुम्हारे बालों पर थोड़ा ग्लिटर डालते हैं। चमकते हुए चीजें किसे पसंद नहीं आती। मेरा काम पूरा हुआ। वाह, हमें इसे पहनना चाहिए। ये मेरी आउटफिट के साथ जच नहीं रहा। ठीक है, पैसे तो तुम ही दे रही हो, ये बहुत गलत है। तुम्हें ये मिलना चाहिए। मेरी आंखें। अब मैं ड्रामा करूंगी। ओह, इतना शाइनी। लाओ दो, मुझे खुशी हुई। कभी भी कॉल कर लेना। वाह, वो कितनी स्टाइलिश लग रही है। मुझे तुम्हारे बालों को ब्रश करना होगा और मैं जानती हूँ क्या करना है। ये क्या? ओह हाँ, मैं तुम्हें गंजा करने वाली हूँ। अब ये निकल रहा है। अपनी गोल्डन लॉक्स को गुड बाय कहो। मेरे पास सुई धागा है, तो मैं तुम्हें एक नया हेयर स्टाइल दूंगी। पहले सुई धागे को डॉल के सर में से निकालेंगे। मैंने पिंक कलर का लिया है। कितना ब्राइट है, एकदम जबरदस्त। चलो इसमें और कलर्स ऐड करें। पूरे सर को कवर कर देंगे और फालतू स्प्रिंग को काट लेंगे। अब इसे साथ में जोड़ देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे अपने बालों के साथ भी कभी ऐसा करना चाहिए। हम बिल्कुल ट्विंस लगेंगे। ये तुम पर जच रहा है, तुम काफी अलग लग रही हो। तुम्हें पसंद आया मिंडी? वाह, क्या बात है, विश्वास नहीं होता ये एक जैसी डॉल्स थी। अब ये कपड़े पुराने हो गए हैं। मेरे पास एक आइडिया है। ओ बटलर, आपका वार्डरोब मैम। वाह शुक्रिया, मुझे फैशन शो बहुत पसंद है। देखते हैं हमारे पास क्या है। इसे कहते हैं शो कलेक्शन। और कितनी सारी ड्रेसेस हैं? ये वाली अच्छी लग रही है, चलो ट्राई करो। नहीं, ये तुम्हारे स्टाइल की नहीं है। ठीक है, ये वाली कैसी रहेगी? पर्पल आजकल बहुत जचती है। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। रुको, इसमें क्या है? मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। हैरानी की बात है, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। तुम बिल्कुल प्रिंसेस जैसी दिखोगी। तुम्हें ये पहन कर देखनी होगी। हे भगवान, कितनी प्यारी लग रही हो। जरा रुको, हमें शूज चाहिए। और मेरे पास एक पैर है, एकदम फिट आ गए। अब तुम्हें एक्सेसरीज चाहिए। ये मेरी फेवरेट डिजाइनर्स में से एक की है। वाह, पूरा मेकओवर हो गया। मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। ओह बटलर, दोबारा ट्राई करते हैं। आजकल अच्छा स्टाफ कहाँ ही मिलता है। रुको, ये काम किया? ये डिजाइनर कपड़ों का क्लोजेट नहीं है, पर चल जाएगा। घबराओ मत, मैं जानती हूँ क्या करना है। सबसे पहले थोड़ी ऑल्टरेशंस हो जाए। तीन उंगलियों को काटेंगे। अब इसमें डॉल को डालेंगे। शेम शेम, बच्चे देख रहे हैं। अब डॉल को उल्टा करेंगे। थंब और फिंगर को साथ में बांध देंगे। कितनी अच्छी बेल्ट बन गई। जी हाँ, अब हमें शूज चाहिए। इसके पैर के आसपास प्लास्टिक रैप लपेट देंगे। हाँ, ये शूज नहीं है। अब मुझे ग्लू गन चाहिए। मैं ग्लिटर ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे सीधा डॉल के पैरों पर लगा देंगे और सूखने का इंतजार करेंगे। और जब ये सेट हो जाए तो इसे काटेंगे। मैंने टूथब्रश केस को भी ग्लू से ढक दिया है। अब इन बीड्स में इसे डुबोएंगे और कितना प्यारा बैग बन गया। विश्वास नहीं हो रहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल, दोनों ही खूबसूरत लग रही हैं। और डॉल्स पार्टी करने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात, बस हमें इनवाइट किया गया हो। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं रोऊंगी नहीं। ये गुड बाय नहीं है, हम फिर मिलेंगे। वो आज का दिन मेरे लिए लकी है, मेरी खुद की डॉल। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। तुम सुंदर लग रही हो, कितनी स्टाइलिश हो। ओह हे, हे भगवान, तुम्हारी डॉल को क्या हो गया? आज उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे। ये क्या था, एक डॉल मेकओवर? काफी बढ़िया चीज है, मैंने ये पहले देखा।
ये बहुत कूल है, मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं। तुमने सुन लिया लेडी, ये क्या हो रहा है? बहुत मजा आएगा। रुको, ये स्मेल कैसी है? वाओ, मेरा नाक खराब हो गया। आराम से बैठो। इसे कहते हैं सर्विस। तुम्हारी बदबू तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हमें तुम्हें साफ करना होगा। बहुत बुरी लग रही हो, बुरा मत मानना। एओ, ये देखो कितना गंदा है, थोड़ा समय लगेगा पर घबराओ मत, तुम एक नई डॉल जैसी दिखोगी। तुमने पर्सनल हाइजीन के बारे में सुना है? ये क्या था? इसे रोको, बहुत गंदगी है। मेहनत का काम है, कुछ बड़ा करना होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। मुझे उल्टी आ रही है, मैंने फ्राइज मांगे थे, गंदी क्यों टिप्स नहीं। अब तुम अच्छी लग रही हो, पर बदबू अभी भी आ रही है। हम इसका क्या करें? एक सेकंड रुको, मैं ये बॉक्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। कूल, फ्री लाइट शो। क्या ऐसा करना जरूरी है? मुझे यही चाहिए, खुद का शावर। और क्या चाहिए होगा? तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? अंदर जाओ, मैं और बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहाते हुए म्यूजिक बहुत पसंद है। ये वाला अच्छा है। क्या हो गए? ओ नहीं, मेरी डॉल। ये क्या बकवास है, तुम्हारा मेकअप फैल गया, ये नहीं चलेगा। हमें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। समझ गए, शायद ये काम करे। ये हमारे हिसाब से थोड़ा बेसिक है, बाहर की तरफ गोल्ड पेंट करेंगे। ब्रश की जगह मैं स्पॉन्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसे टेक्सचर मिलेगा। इसे पूरे कंटेनर पर कर देंगे, इसके सपोर्ट के लिए ऐसे डेकोरेटिव फीट लगा देंगे। पर अब ये पूरा नहीं हुआ, हमें थोड़ा और चाहिए। कंटेनर के ऊपर की तरफ क्लियर नेल पॉलिश पेंट करेंगे, अब इसके ऊपर गोल्ड ग्लिटर छिड़क देंगे, पर इस पर जेमस्टोन्स भी होने चाहिए, है ना? वाह, ये कमाल का लग रहा है, लगता है ये तैयार है। ये टब क्वीन के लिए बना है। चलो अब इसमें आराम करें, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पानी कैसा है? उम्मीद है गर्म होगा। मुझे थोड़ी कैंडल्स जला लेनी चाहिए, उससे मूड बन जाएगा। तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है इतना समय काफी है, नहीं तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। बाहर आ जाओ। क्या ये कोकोनट बॉडी वॉश की खुशबू है? अच्छी चॉइस है। अभी और भी काम बाकी है। तुम्हारे बालों में कितनी गम है, मैं इसे कैसे ठीक करूँ? चलो तुम्हारे बाल बनाए जाएं। पहले मैं गम काट देती हूँ। तुम्हें चाहिए? खैर छोड़ो। जी हाँ, सब निकाल दिया, अब इसे स्टाइल करेंगे। पर मेरे पास ब्रश नहीं है। ये नहीं चलेगा। आहा, ये परफेक्ट है। बस ये ब्रांच काट लेंगे, छोटा सा ही पीस चाहिए। एक साइड पर ग्लू लगाएंगे, अब टूथपिक्स लगा देंगे। अब मैं तुम्हारे बाल बना सकती हूँ, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अच्छा लग रहा है, ये काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तुम सैलून से ही निकली हो। अब तुम्हारे बाल एकदम मुलायम हो गए, अब तुम सूख गई हो, पर तुम्हारे बाल, याइक्स, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ऐसे देखे। कोई बात नहीं, मेरे पास ब्रश है, अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। हे, क्या कर रही हो? ओह, जरा रुको, मैं ये जरूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। वाह, बस ब्रिटनी को पता न चल जाए। देखो मेरे पास क्या है, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे तुम्हारी बालों में डालती हूँ। ओह, कितना प्यारा है। एक्सेसरीज हमेशा अच्छी दिखती हैं। ये ठीक नहीं जा रहा, चलो कलर करते हैं। हिलना मत, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आर्ट क्लास में हमने ऐसा ही कुछ सीखा था, और मैं उसमें भी बुरी हूँ। अब एक ही चीज हो सकती है, मुझे इसे काटना होगा। तुमने कभी बॉब कट सोचा है? शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, जितना सोचा था उससे बहुत मुश्किल है। बहुत हुआ, मैं इन्हें निकाल रही हूँ, आजकल बॉल्ड लुक चलती है। वाह, तुम्हारा सर तो बहुत शाइनी है। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसे ठीक करना होगा। हाँ, मैं समझ गई, मुझे रिबन चाहिए। बस एक छोटी सी स्ट्रिप चाहिए, एक नीडल लेंगे और इससे रिबन के थ्रेड्स खींच लेंगे। अब इस पर टेप लगाएंगे, अब इसे इसके सर पर लगा देंगे। हमने लेयर्स बना दी हैं, बिल्कुल विग की तरह, और ये खूबसूरत लग रहा है, एकदम लंबी और गोल्डन। गर्ल, तुम कमाल की लग रही हो। आगे से ट्रिम कर देते हैं, लगता है हो गया। रुको, ये क्या देख रही हो? हाँ, ओह, मैं समझ गई, मुझे तो वो बहुत प्यारा लग रहा है, तुम्हारे टाइप का है। हाँ, वाह, तुम तो काफी बहक गई हो, और लगता है वो भी तुम्हें पसंद करता है। तुम बाहर ये पहनकर नहीं जा सकती, हमें तुम्हारे लिए आउटफिट चुननी होगी। चलो यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें ये कैसा लगा? मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, ये अच्छे लग रहे हैं। वाह, तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, हमने पूरा वार्डरोब देख लिया है, अब और कपड़े नहीं बचे।
तुम्हें कुछ तो पहनना होगा। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये मटेरियल इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस यही रुको, फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब कोने में एक कट लगाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा काटेंगे। अब इसे तुम्हारी कमर पर बांधेंगे और लेयर्स लगाएंगे। गोल्ड रिबन की स्ट्रिप के साथ बांधेंगे। ये ड्रेस कितनी जबरदस्त है और फ्लोइंग भी। अब वो तुम्हें देखेगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम ये कर सकती हो। ओह, कितना रोमांटिक है, जैसे फेरी टेल में होता है। गाइस, ये फैमिली शो है। मैं तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी देती हूँ। वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, वो बहुत अच्छा है। ये रोमांस देख कर मुझे नींद आ गई। चलो निकलो यहाँ से। तुम बैग क्यों नहीं जाती? ये डॉल्स कौन है? अरे उन्होंने क्या कहा? उसे अकेला छोड़ दो। हंसना बंद करो, डॉल्स बहुत बुरी हो सकते हैं। उन्हें इग्नोर करो, हमें बस ये कपड़े बदलने हैं। मैं समझ गई, तुम्हें जादू पसंद है ना? ये मेरी अभी तक की सबसे अच्छी ट्रिक होगी। मैं एक कचरे के बैग को एक जबरदस्त ड्रेस बनाने वाली हूँ। तुम्हें कैसी लगी? मानना पड़ेगा शानदार। सबको ब्लैक ड्रेस चाहिए होती है। ने ने। अभी नहीं पता चला, मुझे मदद कर बहुत खुशी हुई। वो जरा इन ड्रेसेस को देखो। ओह, कितनी अच्छी है, गार्बेज बैग वाली। मेरे पास भी एक है। चलो अपना मुंह खोलो, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हम ये बात के लिए रख लेते हैं। पर कहाँ रखें? नहीं, ये काम नहीं करेगा। तुम इसे पकड़ सकती हो, हमें कुछ सोचना होगा। जरा मुझे टाइम दो। वो तुमने ये देखा? रुको, तुम ये क्या कर रही हो? ओ नहीं, ये नहीं। उठा लिया। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे बस इस कपड़े में से छोटा सा पीस चाहिए। एव, तुम्हारी नेल्स। यक, इसे रखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़े गंदे हैं। मैंने बाद में साफ कर लूंगी, अभी मेरे पास और भी जरूरी काम है। इस कपड़े को टेबल पर रखेंगे। अब छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब इस पर स्ट्रिंग लगा देंगे और साथ में जोड़ देंगे। वाह, एक डिजाइनर हैंडबैग। इसमें तुम्हारा सारा सामान आ जाएगा, जैसे पानी की बॉटल। लो ट्राई करो। एक सेकंड रुको, हमें तुम्हें भी एक बैग देना होगा। देखते हैं, मेरे बैग में कुछ तो होगा। ये नहीं चलेगा। जरा रुको, ये क्या है? मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास टूथब्रश भी है। पर मैं ये अपने दांतों पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। केस पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। मेरे पास सजावटी बीज वाला पूरा एक बोल है, इसमें केस डिप करेंगे। अब घुमा देंगे, ये अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब टूथब्रश को निकाल देंगे, ये क्लच बैग बन गया। मेरी डॉल को यही तो चाहिए। ये तुम्हारी ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हम कमाल करने वाले हैं। ब्रिटनी बहुत अच्छी है, हम दोस्त बन सकते हैं। हे भगवान, ये मेरे लिए है, मैं ये करना चाहूंगी। पहले मुझे गिफ्ट चाहिए। ओह, ये क्या है? ओह, ये खाली है, मुझे कुछ और ढूंढना होगा। यहाँ क्या है? मुझे नहीं लगता ये ब्रिटनी को पसंद आएगा। आगे चलते हैं। मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। ओह, शायद उसे फ्लावर्स पसंद आए। मैं ये ले लेती हूँ, बहुत सुंदर बुके बनाऊंगी। फ्लावर्स को साथ में रखेंगे, इसके आसपास स्प्रिंग लपेट देंगे और एक बो लगाएंगे। ओह, ये कितना सुंदर है, उम्मीद है उसे पसंद आए। चलो ये उसे दो। ब्रिटनी, ये क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। मेरे लिए? मैं अभी आती हूँ। पर मुझे कुछ ढूंढना होगा, इसमें से कुछ नहीं चलेगा। ओह, एक नेकलेस, पर मुझे कुछ और चाहिए। ओह, एक टाइगर, लगता है ये काम आए। कोशिश करते हैं, इसे किसी खास चीज में बदल देंगे। नहीं, डायनासोर में नहीं। एक स्कॉर्पियन। हाँ, ये हुई ना बात। इस पर कलर करते हैं, ब्लैक पेंट से स्पॉट्स बनाएंगे। अब इसके ऊपर येलो पेंट करेंगे, ये कमाल का दिखेगा। अब हमें एक नेकलेस चाहिए, इसे नेक पर लगा देंगे। वाह, जरा इसे देखो, काफी महंगा लगता है। शानदार। हाँ, कैंडल बहुत उदास लग रही है, चलो उसे खुश करें। हे कैंडल, क्या ये तुम्हारे लिए है? अच्छा है ना? वाह, कभी किसी ने मुझे पहले गिफ्ट नहीं दिया। ये फ्लावर्स लो। ओह, कम से कम तुमने सोचा तो सही। आओ गले लग जाओ।
ये डॉल बहुत बोरिंग है, हटाओ इसे। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है, जरा इसे देखो, वो कितनी खूबसूरत है। ला ला ला, कचरा फेंक देते हैं। हाँ, ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई कैसे फेंक सकता है? कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी नई मॉमी हूँ। ये क्या? ठीक है, ये कुछ अलग है। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? वाह, इस जगह को तो देखो, क्या ये मेरी डॉल है? नहीं, ये मेरी है। कोई बात नहीं, मेरे पास अब बेहतर डॉल है। जरा खुद को देखो, कितनी गंदी हो गई हो, तुम्हें साफ करना होगा। ऐसे ही रहो। हाँ, ओह, ये लीक हो रहा है, इससे नहा लेती हूँ। अच्छा लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। बस कुछ ड्रॉप्स यहाँ, इतनी काफी है, इससे तुम साफ हो जाओगी और बिल्कुल नई जैसी दिखोगी। कभी कभी हम सबको पैम्परिंग की जरूरत होती है। आराम से बैठ जाओ, इतना छोटा सा टूथब्रश, आराम से। अब अपना मुंह खोलो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें देखने के लिए सनग्लासेस लगाने पड़ेंगे, तुम्हारी दांत चमक रहे हैं। अब मेरी बारी। ओह, मजा आ गया। ये होती है जिंदगी, तुम्हें मजा आ रहा है? तो अब हम क्या करें डॉली? तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा, थोड़ी बोरिंग है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है, मैं बाल स्टाइल करने में एक्सपर्ट हूँ। ये तुम्हारी गलती थी, चलो दोबारा ट्राई करें। ऐसा लग रहा है तुम्हें झाड़ियों से खींच कर लाए हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डार्लिंग। मैं समझ गई। वाओ, मेरी डॉल के लिए बुलाया है। ठीक है, तो फिर स्पेशलिस्ट टूल्स चाहिए होंगे, वो कहाँ है? आहा, मुझे यही तो चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, हिलना मत। पहले एक बोल चाहिए, इसमें पानी डालेंगे। अब थोड़ी फूड कलरिंग, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब अच्छा लग रहा है। मेरा क्लाइंट कहाँ है? डॉल के बालों को पानी में डिप करेंगे। पानी ठंडा तो नहीं है? मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो एक डॉल हो। बालों को अच्छे से पानी सोखने देंगे। अब बालों को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि पानी ना रह जाए। अब हमें तुम्हारे बालों को सुखाना होगा। वाह, ये कलर तुम पर जच रहा है, बहुत सुंदर है। तुम्हारा हो गया? वो तुम बहुत अलग लग रही हो। हाँ, तुम मुझे पे करना होगा। ओह अच्छा, तुम कैंडी लेती हो? तभी मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती। मजा आ गया, बहुत अलग लग रहा है। वो उसके बालों को तो देखो, तुम्हें भी नए लुक चाहिए। आखिरी बार तुमने कब शैम्पू किया था? मैं क्या करूं? एक मिनट रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। पहले डॉल को टेबल पर रखेंगे, अब इसे एक हेयर कट देंगे। वाह, तुम छोटे बालों में अच्छी लग रही हो। तुम गंजी अच्छी नहीं लग रही। इस ट्रिंक को डॉल के सर में लगाएंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका लुक बहुत जबरदस्त आएगा। अब फालतू की स्ट्रिंग काट देते हैं और वापस सर लगा देते हैं। वाह, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे जलन हो रही है और एवा को भी। ये चॉकलेट स्प्रेड स्वादिष्ट है, तुम ट्राई करो। ओ नहीं, मैंने तुम पर गिरा दी, मुझे माफ कर दो। अब चेंज करना होगा। शुक्र है मेरे पास और आउटफिट्स पड़ी हैं। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, ये प्यारी है ना? चलो ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हर आउटफिट में अच्छी दिखती हो, बहुत शीक लग रही हो। तुम्हें कैटवॉक पे होना चाहिए। वो मैं क्या ही कहूँ, और हाथ में क्या, बढ़िया है, कुछ कैजुअल हो जाए। ये देखने में कितना बढ़िया है, खूबसूरत भी और कैजुअल भी। दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो ये आउटफिट सबसे बढ़िया रहेगी, और पार्टी में आपको ही सब देखेंगे। बहुत अच्छी लग रही हो। वाह, उसके कपड़े तो देखो, ये मेरे वार्डरोब से भी बेहतर है। हमें तुम्हें ड्रेसेस दिलानी होगी, चलो शॉपिंग करें। अरे इसे कपड़े पहनाओ। उप्स, माफ करना, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखूं। शांत रहो, उसने पहन लिए हैं। हे एवा, मैं वो ले सकती हूँ?
वो सॉक तुम्हारे पीछे। मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है। प्लीज दे दो, मुझे वो चाहिए। ठीक है ये लो। बहुत गंदा है। शुक्रिया, ये काम आ जाएगा। पहले हमें सॉक का टो काटना होगा। बिल्कुल इस तरह। अब मैं दोनों तरफ छोटे ट्रायंगल्स काटूंगी। अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहोगी? वाह बहुत अच्छी लग रही है, काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। थैंक्स ईवा। हाँ मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जो भी हो। ओ, 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 या। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? जरा देखने दो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? हम आर्ट एक्सपर्ट्स हैं हनी, चिंता मत करो। हमने शो के बारे में सुना। क्या ओरिजिनलिटी है, ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही अनोखे हैं। मैंने उससे अच्छे अच्छे भी देखे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगा। और तुम्हें? मैं श्योर नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे पसंद आया। ये हुई ना बात, मैं चाहती हूँ ये परफेक्ट हो। एक आइडिया है, एक पानी का बोल चाहिए और फिर उसमें नेल पॉलिश डालेंगे, अलग अलग कलर्स डालेंगे, ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए। इतना काफी है। और अब इसमें शू डालेंगे, इसे पानी में इस तरह घुमाएंगे ताकि सारे कलर्स आ जाएं। वाह जरा इसे देखो, मेरी डॉल के अब कस्टम शूज हैं। वो कमाल कर दिया, मिलान के फैशन हाउसेस बहुत जलेंगे। हम ये ले चलते हैं। हाँ उसने एक नेल वार्निश में शू को डिप किया। अगर आर्ट इतना इजी होता है तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे शू ढूंढना होगा। चलो भी, कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सारे ही बहुत महंगे हैं। अब मैं क्या करूँ? समझ गई, मेरे पास इमरजेंसी के लिए पैसे पड़े हुए हैं। लगता है इसे चूहे ने ढूंढ लिया। ओह ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, अब मैं क्या करूँ? शायद इसके नीचे थोड़े पैसे हो। ओह एक ग्लू गन और पेंस, ये काम आएंगे। चलो थोड़े क्रिएटिव हो जाएं। पहले अपने डॉल के पैर पर बलून पहनाएंगे, इससे गंदे नहीं होंगे और सॉक्स जैसे लग रहे हैं। अब बलून पर ग्लू लगाएंगे, ये मेरा मोल्ड बनेगा। अभी फोम का पीस चाहिए, फुट की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसे काट लेंगे। अब मैं इसमें कलर कर सकती हूँ, मैं एक रेनबो इफेक्ट बनाऊंगी अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हुए। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। फोम की एक साइड पर ग्लू लगाएंगे, अब इस पर मोल्ड लगा देंगे। वाह होममेड बूट्स, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ग्लू को कलर करने के लिए करेक्शन फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे, पेन से छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स बनाएंगे। ये बहुत कूल है और ये मैंने खुद किया है, उम्मीद है ये मेरी डॉल को पसंद आए। चलो ये ट्राई करें, इसकी फिट बिल्कुल परफेक्ट है। वाह शानदार, तुम बहुत फैशनेबल लग रही हो, तुम्हारा टैलेंट नेचुरल है। हाँ वाह जरा उसे देखो, मैं सपना तो नहीं देख रही, हमने एक जीनियस ढूंढ लिया है। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे वो बूट्स देखने होंगे। ओह हे ब्रावो, तुम्हारा काम लाजवाब है। शुक्रिया, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे लिए है। रुको तुम्हें बूट्स खरीदने हैं? ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरी डॉल के हैं। पर हम तुम्हें फेमस कर सकते हैं। मैं बस चाहती हूँ मेरी डॉल खुश रहे। चलो यहाँ से चले, हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। रुको तुम्हें खुद का फोन चाहिए होगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। अब हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत रूड था, तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो दोबारा ट्राई करें, जरा इस ब्रश को पकड़ो। मुझे इसे जोड़ना होगा। तुम्हारा शुक्रिया। ये मुश्किल है, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है, मेरे डॉल के हाथ तो बहुत छोटे हैं। अगर मैं इसे, ओह मैं एक बैग डिजाइन कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। बेकार लग रहा है, बहुत ही बोरिंग और प्लेन है, दोबारा शुरू करना होगा। फोकस करो एवा, हम ये कर सकते हैं, ये काफी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ चेन स्क्रैप चाहिए। वाह लाजवाब, मुझे एक डिजाइनर होना चाहिए था, मैं एक जीनियस हूँ। अब गोल्ड फोम चाहिए, इसकी क्रॉस शेप काटेंगे, अब इसकी एडिसिव बैकिंग हटा देंगे, इस तरह एजेस को फोल्ड करेंगे,
और इस तरह प्रेस कर देंगे। अब एक लंबा सा सेक्शन इस पर फोल्ड करेंगे और ये बन गया बैग। अब मुझे बस चेन चाहिए। वाह, मैं ये जरूर पहनूंगी। ये लो, अब तुम्हें यही चाहिए। इस पे तुम अपना सारा सामान रख सकती हो, बहुत सारी जगह है। और तुम्हारा फोन भी इसमें आ जाएगा और हेयर ब्रशेस भी। देखो सब आ गया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इसके एक पिक्चर चाहिए। मैं जरूर पोस्ट करूंगी। स्माइल। हम लाइव हैं। आपके पास आपके फैंस के लिए कोई मैसेज है? ओह हाय, मेरी अच्छी साइट से लेना। हाँ, तुम हटो लेडी, मैं डॉल से बात कर रहा हूँ। माफ करना। हे, तुम यहाँ से हटोगी? ये बहुत गलत बात है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यही मौका है, मैं ये ले लेती हूँ। यही तो चाहिए। जल्दी करना होगा, मैं नहीं चाहती कि एवा देखे। पहले ये पैच काटेंगे, इसके कलर्स मुझे बहुत पसंद है। अब एक जिपर चाहिए। दोनों साइड्स पर ग्लू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्लिटरी फोम लगाएंगे। अब इसे शेप देंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और एक कार्ड के पीस पर चिपका देंगे। अच्छे से चिपका दें। कोनों पर ग्लू लगाएंगे। शुक्र है मेरा हार्ट टिक कर चलता है। इतना काफी है। अब इस पर और फोम लगाएंगे, कोई गैप्स नहीं छोड़ने। दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसे ही शेप का एक पैच काटेंगे। अब इसे फोम पर लगा देंगे। अब दो जगह ऐसे ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। इस पर छोटा सा फैब्रिक का पीस लगा देंगे और जहाँ पैच नहीं है उस साइड भी। ये बन गया मेरी डॉल का बैकपैक। ये देखो, इस पे तुम अपना सामान रख सकती हो। वाह, काश मैं भी तुम्हारी तरह दिख पाती। हम थोड़ा जल्दी कर लें। ये आनी बैग कहाँ से लाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह शुक्रिया, प्यारा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। रुको, क्या ये मेरी ड्रेस है? क्या, नहीं, यहाँ कोई ड्रेस नहीं है। मुझे बस, हम बाद में बात करेंगे। अगर रूम मेकओवर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत से आइडियाज हैं। आपको कौन सा रूम पसंद आया हमें नीचे कमेंट में बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना याद रखें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।